नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूज़ ट्वेंटी फोर और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार में है और आपको बता दूं कि आज जो बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं को सुने हैं हैं और किसानों से बातचीत भी किए वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं अपने आप को संबोधित कर रहे हैं वहीं आपको बता दू कि उसी क्रम में आज वो एक ढाबे पर रुक चाय की चुस्की भी लिए है बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को तो अंत तक पूरा देख कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार में है मंगलवार को उन्होंने किसानों की समस्याओं पर उनसे बातचीत की इस दौरान राहुल गांधी सिर पर गमछा बांधे नजर आए वे सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके और कुछ लोगों के साथ चाय की चुस्की भी लिए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया के सिकंदरपुर पंचायत तो स्थित शीशा बाड़ी में किसानों के साथ चौपाल की इस मौके पर किसानों ने अपनी समस्या रखी वहीं राहुल गांधी ने किसानों के भूमि अधिग्रहण मामले पर कहा कि वे लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों के हित में काम किए जाएंगे वहीं किसानों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने साफ किया कि वे यहाँ खोखली बातें नहीं कर रहे हैं हमने किसानों का बहत्तर हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था हम भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार थी थी तो हमने उपज की सही कीमत भी दी थी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के हित के लिए काफी काम किए हैं आने वाले समय में भी हम किसानों के हित में ही काम करेंगे वहीं इस मौके पर सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी वही राहुल गांधी ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर किसानों के साथ मौन भी रखा राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखने वाले किसानों ने कहा कि वे ऋण के बोझ तले डूबे हैं लेकिन सरकार उनकी सूध नहीं लेती है इसी क्रम में कस्बा और पूर्णिया के बीच एनएस के किनारे एक ढाबे में रुके और चाय की चुस्की भी लिए तो जैसा की एक बार फिर से बता दे की कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार में है मंगलवार को उन्होंने किसानों की समस्याओं पर उनसे बातचीत की इस दौरान राहुल गांधी सिर पर गमछा बांधे नजर आए वे एक सड़क किनारे एक ढाबे पर के और कुछ लोगों के साथ चाय की चुस्की भी लिए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुण्या के सिकंदरपुर पंचायत स्थित शीशा बाड़ी में किसानों के साथ चौपाल की तो जैसा कि इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किसानों ने अपनी समस्याओं को बताया और वहीं नेता राहुल गांधी ने भी किसानों को ये हौसला दिया कि इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार के हित में और उन किसानों के हित में काम करेंगे बाकी इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज ट्वेंटी फोर अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद